गाइज़ आई एम आयशा कामरान आई होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है आज मैं अपने बेटे को रिवील करूँगी हिज नेम इज़ मोहम्मद सलमान कामरान सलमान बेसिकली एक साल का हो चुका है ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर को इनकी बर्थडे मनाई गई थी और कभी भी इसने तंग नहीं किया मुझे एक्चुअली इनके डैडी आउट ऑफ कंट्री होते हैं लेकिन कभी भी इसने बच्चे होते हैं काफ़ी तंग करते हैं लेकिन इसने मुझे कभी तंग नहीं किया तो आज मैं बनाने जा रही थी कोफ्ते और कोफ्तों की तैयारी पूरी करके रखी हुई है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मैं किस तरह कोफ्ते बनाती हूँ थोड़ा तो सा हरा धनिया ले लिया है कुछ हरी मिर्च ले ली हैं वन टी स्पून गर्म मसाला ले लिया है थ्री टेबल स्पून चने ले लिए थे पिसे हुए और हसबाई का नमक यहाँ पर मैंने आधा किलो कीमा लिया हुआ है और उसके अंदर सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं कोफ्तों में अगर आप लोग चने नहीं डालना चाहें तो इसके अंदर आप लोग बेसन भी डाल सकते हैं मेरी सास जो है बेसन डाला करती थी तो यहाँ पर आप भून के चने डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा टेस्ट भी इन्हेंस होगा और फिर बाइंडिंग के लिए अच्छी बाइंडिंग के लिए और सॉफ्ट कोफ्ते बने तो इसमें मैंने डाल दी थी दही टू टेबल स्पून अब मैंने यहाँ पर जो है ग्रेवी की तैयारी करके रखी है दो मीडियम प्याज ले ली हैं तीन टमाटर ले लिए हैं मैंने दो बड़े एक छोटा और हजब ज़रूरत नमक और होल गरम मसाला मैंने ले लिया है ये सब चीज़ें ग्रेवी में जाएंगी अब मैं डालूँगी यहाँ पर वन टी हल्दी और वन टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ले लिया है रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा ले, ले लेंगे यहाँ पर अच्छा जब कीमा बना रहे हों तो आप लोग इसके अंदर एक अदद अंडा भी ऐड कर सकते हैं और खशखश भी डाल सकते हैं खशखश यहाँ पर पास थी नहीं तो इस वजह से मैंने नहीं डाली तो अब मैंने तमाम मसाले डालने के बाद यहाँ पर मिक्स करके रख दिया है अब यहाँ पर ज़ीरा और होल स्पाइसेस हम डाल के थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे यहाँ पर हमने प्याज डाल दी है प्याज को जस्ट गोल्डन ब्राउन करना है तो यहाँ पर प्याज़ गोल्डन ब्राउन हो चुकी है अब हम यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि इसमें से कच्चापन निकल जाए अच्छा प्याज को ज़्यादा हम ब्राउन ही करेंगे क्योंकि इसलिए कि फिर वो कोरमा वाला टेस्ट आने लगता है इस वजह से प्याज को हम जस्ट गोल्डन ब्राउन ही करेंगे अब यहाँ पर हम टमाटर डाल देंगे अब फिर यहाँ पर हल्दी और रेड चिली पाउडर जो मैंने बताया था आप लोगों को वो सब डाल कर अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे और जब तक टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे जब तक हम इसको अच्छी तरीके से भूनते रहेंगे और अब यहाँ पर अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे देख देखें आप लोग देख सकते हैं अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है और बुनाई का एक्चुअली ये इस तरह पता चलता है कि ऑयल सेपरेट हो जाता है और मसाला अलहदा हो जाता है तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि अब भुन चुका है अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है अच्छी तरीके से बुनाई होने के बाद हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे मीडियम साइज़ के आपको बॉल्स बना लेने हैं तो यहाँ पर सारे कोफ्ते डल चुके हैं और मैंने इसमें चमचा नहीं चलाया था और जब ये अच्छी तरीके से गल गए थे और पक गए थे तो फिर उसके बाद मैंने इसमें चमचा हिलाया चमचा चलाया और फिर उसके बाद मैं अब ऐड करूँगी दही चमचा भी आपने चलाना है तो बहुत ध्यान से चलाना है कि ये नहीं कि वो बिल्कुल कोफ्त टूटने लगे अच्छा एक और बात कि हम पहले मसाला भून लेंगे फिर उसके बाद कोफ्ते ऐड करेंगे दैन उसके बाद दही डालेंगे मसाला भूनते वक्त आप कभी भी दही नहीं डालिएगा क्योंकि फिर उसके बाद कोफ्ते हार्ड रह जाते हैं और अब हम यहाँ पर साबुत हरी मिर्चें ऐड कर देंगे ज़रा सा कट लगा कर आप लोग ऐड करिएगा और अब यहाँ पर मैं आलू ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे कोफ्तों में आलू बहुत पसंद है कुछ लोग नहीं डालते हैं तो नहीं डालेगा ये ऑप्शनल है अच्छा तो अब यहाँ पर हम पानी ऐड कर देंगे जितना भी आपको ग्रेवी रखनी है जितना भी आपको शुभरा रखना है तो उसके लिहाज से आप पानी डाल सकते हैं सो so, जनाब यहाँ पर कुफ्ते आलू रेडी हैं और आई होप यू विल लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टिल देन अल्लाह हाफ एंड स्टे बैस